जो पढ़ा है ना उसके क्वेश्चंस बना लेते हैं सबसे अच्छा, अभी जितना भी पढ़ा है, क्योंकि याद है क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो काम आ जाएगा। वन बाई वन क्वेश्चन बना रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम में आया था, और एग्जाम में कब आया था? दिसंबर 2021। 5 नंबर का क्वेश्चन, 24 अभी लिख दिया है क्या? नहीं बना सकते क्योंकि इसमें रिटेन अर्निंग्स, तो उसको तो मैंने समझाया नहीं है। कोई बात नहीं सर, 32 बना लेते। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में क्या स्पेशल है आके? पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। जीपीएस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है 65 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12 लाख रुपए, रिडीमेबल डिबेंचर है 20 लाख रुपए। 15% क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट का रेट, और ये डिविडेंड रेट, और ये इंटरेस्ट रेट। नाम क्या है? कन्वर्टिबल डिबेंचर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाद में वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमें अभी से मतलब। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रखा है? 16.3%। मतलब ये क्या दे दिया है यार निकल कर? और इनकम टैक्स रेट कितना दिया है? 30%। और हमको क्या निकालना है? WACC। कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा वेट से निकालना है, तो कौन सा जो दिया है बुक वैल्यू वो वाले वेट से निकालेंगे। पर स्पेसिफिक कॉस्ट हमको KE निकालना पड़ेगा, हमको KP निकालना पड़ेगा, हमको KD निकालना पड़ेगा, और हमको KD निकालना पड़ेगा। ठीक, मतलब निकला हुआ है, लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, यही कितना है यार? 15 मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का आंसर। कुछ भी करो, प्लस माइनस गुना भाग जो करना है करो, आंसर निकल करो। कितना? 8 पॉइंट। हाँ तो बोला करो ना, इतना डर के क्यों बोल रहे? सही बोलने में क्या दिक्कत है? सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है। मैं तारीफ कर रहा था ऐसा बात है। लिख लो, हम कसम खाते हैं कि प्रेफरेंस शेयर में टैक्स सेविंग्स नहीं कर। हो गया सर, हो गया, मैं समझ गई हूँ। केडी बोलो, केडी वन केडी टू लिख दो, क्या फर्क है? आई वन माइनस टैक्स, आई कितना है यार? 15। वन माइनस 10.5%। अब क्या निकालेंगे? के डी टू 10, 1 माइनस 0.37%।
अच्छा कुछ बच्चों का ये भी कहना था, सुनोगे? सर देखो हमारा फॉर्मूला सिंपल है, आई वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी इनटू 100। तो सर हमको तो यही याद है, ये आप क्या कर रहे हो ये हमको नहीं पता। तो ठीक है ना भाई, 12 लाख का 20 लाख का 15% कितना होता है? 20 लाख का 15% 3 लाख यहां लिख लेंगे हम लोग, 1 माइनस 0.3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई नीचे क्या लिखोगे? नीचे तो वही लिखना पड़ेगा, कितना? 20 लाख और इंटू 100 करेंगे, तो ये टाइम पास क्यों करें हम? सीधा ऐसे भी तो निकाल सकते ना। हाँ मतलब 100 एज्यूम करके भी कर सकते। चलो टेबल बनाए, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू एस सी, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। पहला आएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या क्या है भाई? दो टाइप के डेट, डेट वन डेट टू। ऐसा सर कितना है? 65 लाख, 12 लाख, 20 लाख और 8 लाख, टोटल कितना हो गया जी? 1 करोड़। देखा पूर्वी अपना अपना बना रही है, ठीक, 1 करोड़ 5 लाख। अब क्या जाएगा? वेट। और वेट का देखो यार, एक तो ये तरीका है जो आप कर रहे हो बार बार इसको 105 बार बार डिवाइड ना करके, मैंने आपको कैलकुलेटर से बताया कि कैसे करना, उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो कैलकुलेटर में 65 डिवाइडेड बाय 105, तो यहाँ कितना आ गया? 0.619। 12 इज इक्वल टू 114, 20 इज इक्वल टू 190 और 8 इज इक्वल टू 0.076। अब ना यहां इस कोशिश में मत लग जाना कि टोटल वन आना चाहिए, आया तो ठीक, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना कौन मिला? बाकी काम तो छोड़ देंगे, इसी में लग जाओगे, इसी कोई काम नहीं आने वाला कि टोटल वन आना चाहिए। अब यहां जाएगा क्या? स्पेसिफिक कॉस्ट, ये तो आ गया 16.3, केपी कितना है? 12 और केडी वन वाला कितना है? 10.5 और दूसरा वाला कितना है? 7। बस वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद दो डिजिट लिख सकते हो, 16.3 इनटू 0.619, तो 10.09। ले लेता हूं, नाइन नाइन
0.5 टोटल कर लो 13.98% और इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताओ कोई मुश्किल चैप्टर है कि बस ये नहीं है, ऐसे ही आने है सब क्वेश्चन, अभी तो सिंपल है। चलो देखिए अगले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गामा लिमिटेड हैज 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज 1 ऑर्डिनरी शेयर्स हुज करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस कितना दिया है रुपीज पर शेयर। ये क्या दिया है एक्स डिविडेंड का मतलब क्या? देखो ये हो गया जीरो पीरियड, ये चले और यहाँ अभी डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गया कि डिविडेंड एक शेयर पे 5 रुपए दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया दिया जाएगा क्योंकि जिसके पास शेयर्स रहेगा उसको डिविडेंड मिलेगा। हाँ एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। तो अगर शेयर का प्राइस यहाँ 55 रुपए है तो क्या अभी डिविडेंड मिल चुका है? नहीं, इसका शेयर कितना प्राइस कितना दिख रहा है 55, ये 5 रुपए ज्यादा दिख रहा है, जो होना चाहिए उससे 5 रुपए ज्यादा, किसकी वजह से? डिविडेंड की वजह। और जैसे डिविडेंड हटा देंगे इसमें से तो ये जो 50 रुपए आएगा दिस इज रियल वर्थ, ये 5 रुपए एक्स्ट्रा तो डिविडेंड की वजह से। तो हमें कौन सी वाली प्राइस लेना होता है कभी भी? एक्स डिविडेंड। और दिया कौन सा है? एक्स डिविडेंड। क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था ऐसे। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वही वाली चीज थी, एक्स डिविडेंड। राइट शेयर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 की बात कर। हाँ यार हम भटक रहे हैं वापस से, एमपीएस है 1.50 रुपए। The company has just paid करके लिखा। just paid का मतलब क्या समझते हो? paid मतलब ये D0 है कि D1 है? 27 पैसा। D1 का मतलब होता फ्यूचर में, paid शब्द लिखा मतलब D0। और dividend are expected to continue at this level for some time, क्या कहना चाहता है? डिविडेंड यही रहेगा आगे भी, मतलब ग्रोथ जीरो। इफ द कंपनी, और कोई डेट तो है नहीं है, बस इक्विटी ही है एकमात्र, तो बताओ WACC क्या आएगा, मतलब क्या निकालना है? KE, और जो KE निकलेगा वही क्या हो जाएगा? WACC। कुछ तो है नहीं है ना, D1 कितना? .27 पैड लिखा है बेटे, पैड। तो यहां जब मैं जबरदस्ती यहां मैं बोल रहा था कि ये क्या है डीजी, वही बोल तो वो बोल दिया थे क्या? यहाँ क्या जाएगा 1.5 ग्रोथ है क्या? नहीं है, खत्म, आंसर आ गया। क्या पढ़ रहे थे हम और क्या पढ़ रहे, देखा कितना अंतर आ गया चैप्टर चैप्टर। चलो जी
इसका डालेगा वो के। कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बहुत हो गया, अब आप बना रहे हैं। मैं रीड कर देता हूँ बस। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कर सकते, रिजर्व एंड सरप्लस है। एक 36 बनाएंगे, लेकिन 36, 36 पोनिंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंस लिमिटेड। क्या क्या दिया है? इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर। मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर कितना चल रहा है? 110। और डिविडेंड के साथ में शब्द लगा है एक्सपेक्टेड, मतलब ये क्या होगा? डी डी जीरो डी वन। और डिविडेंड ग्रोथ रेट दिया है 6%। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? केई। इसके लिए केपी। तो प्रेफरेंस शेयर की कहीं इंफॉर्मेशन दिया होगा तो देख लेंगे। और फिर केडी। टैक्स का रेट कितना है? 50%। और आपसे बोल रहा है WACC निकालिए। तो पहला काम होगा हमेशा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलो काम करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई वन पी जीरो प्लस थ्री। टी वन कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 110। और ग्रोथ कितना है? 0.06। केपी कटाक्ष, समझते हो कटाक्ष हिंदी में? व्यंग। अब व्यंग करूं मैं, केपी आएगा 10 1 -0.5। अच्छा बस 10% आएगा ये तो यार, है ना? समझते नहीं, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। केपी आ गया 10%। अभी क्या करोगे? केडी। वन माइनस तो कितना परसेंट आ गया? अभी क्या करना है यार? WACC। अभी ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं, इसको संभाल ही नहीं पाओगे। पहले जो दिया है उसके हिसाब से WACC टेबल वैसे ही बनेगा। 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख आएगा, वेट आएगा 0.5, और बाकी आप संभाल लेना। और संभालो मैं पहले WACC।
11 पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, एज्यूमिंग दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपांशन प्लान, ये जो पैसा लगा लगा इसके अलावा और हमारा जो टारगेट है कि हम और बोरो करना चाहते हैं, हालांकि अभी भी बोर रही है पर एक्स्ट्रा और कितना रुपए, 10 लाख। और जो 10 लाख बोरो करेंगे वो कितने परसेंट पे बोरो कर रहे हैं, 14। और पहले जो बोरिंग हुआ वो कितने परसेंट पे, 12% पे, ठीक है, अलग अलग रेट हो सकता है। व्हाट विल बी द कंपनीज, फिर से निकालो रिवाइज्ड WACC, इसका मतलब 1, 2, 3 और एक चीज आ जाएगा 4, और ये कितना है 14, यहां अमाउंट कितना आ जाएगा 10 लाख, और एक KD निकालना पड़ेगा 14, 1 माइनस टैक्स वो तो रहेगा उसमें। हाँ, आप लोगों को तो 12% दे ही रहा हूं मैं अलग से, ठीक है। पर बट दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड, 10 रुपए से क्या हो जाएगा 12, ऐसा क्यों? हाँ, पैसा लगाओगे यार, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो जितनी कमाई हो रही है उससे ज्यादा कमाओगे, बिल्कुल सही बोल, ठीक है। हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स 110 से 105, हे भगवान, हालांकि सोचना तो है ही नहीं, हमको तो बना देना है। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, लोन लेने से शेयर का प्राइस बढ़ा कम होता है क्या, हो सकता है कि, जरा सोचते ना यार, मैं पैसे ले रहा हूं, आप पैसे ले रहे हो लोगों से, उधारी 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 बहुत सारी। हाँ, अभी तो मैं उधार, मतलब डेट बढ़ रहा है ना यार, इक्विटी भले ही उतना ही है पर डेट तो बढ़ रहा है। अब सोचो ना, आप खुद सोचो, मैं कितना भी एक्सपेंशन करूं पर डेट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा। आपने कभी सुना है डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए कंपनी लॉ में, तो 2:1, हे भगवान, दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है, तो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप कितना भी एक्सपांशन करो मतलब नहीं है। बात बस ये मैं बोलना चाहता हूं कि डेट के बढ़ने से आपको खुद को कैसा लगेगा कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं और मैं बोल रहा हूँ शेयर खरीदोगे कि मेरे, बहुत मुश्किल है, ज्यादा डेट अच्छा नहीं है। तो डेट की बढ़ने की वजह से शेयर का प्राइस जनरली कम हो जाता है, ठीक है, जनरली कम हो जाता है। तो यार इसकी वजह से फिर मेरा कहाँ कहाँ चेंज होगा, एक नया डेट तो आएगा आएगा, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, KD। लेकिन जो KE निकाल रहे थे, जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन थी, अब शेयर का प्राइस 110 लख लिख रहे थे ना आप, यहाँ उसकी जगह कितना लिखना पड़ेगा 105, और डिविडेंड 10 की जगह क्या आ जाएगा 12, और फिर WACC निकालेंगे, फिर से स्पेसिफिक कॉस्ट। तो D1 कितना जाएगा यार 12, और P0 ग्रोथ रेट कुछ नहीं बोला तो उतना ही ले लेना, नहीं पहला चेंज नहीं, पहला KD चेंज नहीं होगा वो तो जो, हाँ ये तो फंस गया ना 12% पे, कुछ कर ही नहीं सकते, हालांकि इनका भी दिल कर रहा होगा, गलत है हमको 12 दे रहा, और जो नए लोग आए उनको गलत है ना यार, दिल दुखेगा पर क्या कर, तो बताओ कितना आ रहा है ये वाला 17.43%। KP में तो कोई चेंज नहीं है भाई साहब, आपको 10% से मतलब है, आप कुछ भी करो। अब पहले वाला KD भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसका कितना निकला था ऑलरेडी 3%। अब दूसरा वाला केडी निकाल रहे हैं, नया वाला, इसका इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.7%। क्या WCC निकल सकता है? यस, फिर से बनाते टेबल। मतलब वैसे एक बात बताओ, WACC कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम ही होना चाहिए यार, कम ही होना चाहिए ना। और अगर थोड़ा गहराई से सोचो, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट ज्यादा रहेगा तो WACC बढ़ेगा कि कम रहेगा? आराम से सोचना, बिल्कुल गहराई वाली बात है। कल मैंने एक बात बोला था कि KE हमेशा क्या होता है, ज्यादा, KD हमेशा कम। तो डेट ज्यादा रहेगा तो WACC हो जाएगा, तो फिर डेट ज्यादा ही रखते हैं ना। हाँ, पॉइंट के बाद 3 digit वेट, पहले रूल्स बना रखा है कि पॉइंट के बाद वेट 3 digit में करेंगे। हो गया ठीक। अगर वेट आप 3 digit में लेते हैं तो पॉइंट के बाद हमको 3 digit लेना है। कहाँ थे यार हम लोग? हाँ, तो डेट ज्यादा रखने से WACC कम हो जाता है, नो डाउट। इसका एक अप्रोच का नाम है, इसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। अभी पढ़ोगे नहीं, आगे एक टॉपिक आएगा इसमें मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, लेकिन एक बात है, डेट बढ़ेगा तो कौन परेशान हो जाएगी? इक्विटी। उनका परेशानी वाली बात नहीं, आपको दूंगा ना, ज्यादा दूंगा, जितना अभी दे रहा उससे ज्यादा दूंगा यार।
तो वो भी बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, नो डाउट WACC, वो WACC कम होना चाहिए, पर क्या बढ़ेगा साथ साथ, के ही बढ़ेगा। फिर मैं बताऊंगा कि कोई चेंज नहीं होगा, वो पड़ेगा नेट ऑपरेटिंग इनकम। अभी आप उस लेवल पे नहीं है, अभी सर हम कैलकुलेशन कर लेते काम ज्यादा आएगा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे, कुछ अच्छा मजेदार मसा मजा आ जाए ऐसा कोई क्वेश्चन का होमवर्क। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 होमवर्क। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हाँ 38 बना। अब आया क्वेश्चन 10 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, पूरी जान लगा देना इस क्वेश्चन में, इससे बड़ा क्वेश्चन शायद ही होगा, तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द WACC कौन से वेट से, बुक वैल्यू से भी और मार्केट वैल्यू। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, डिबेंचर्स पहले, प्रेफरेंस पहले, इक्विटी पहले। पिछली बैच में क्या गलती हुई थी सुन लो, बच्चों ने प्यार से KE KD KP निकाल लिया, मुझे उम्मीद थी निकालने की, लिखा ऐसे ऊपर चिपकाया KE, लिख रहा है डिबेंचर। हाँ ऐसा हो सकता है, सावधान हो जाओ। आगे लिखते हैं, ऑल दी सिक्योरिटी आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, और शेयर का प्राइस दिया हुआ है शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है 110, प्रेफरेंस शेयर का 120, और इक्विटी का मार्केट प्राइस कितना है 22। आगे क्या लिखा हुआ, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ₹100 का जो डिबेंचर है ना, रिडीमेबल एट पार, 20 साल है मैच्योरिटी, मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, बड़ा वाला फॉर्मूला, 8% है कूपन रेट। ये कूपन क्या है भाई, इंटरेस्ट रेट, बड़े हो जाओगे तो कूपन बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस है 100। सवाल ये है, फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे आएगा कि इश्यू प्राइस पे, सेल प्राइस मतलब इश्यू प्राइस, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी किस पे आएगा, इश्यू प्राइस पे। ये कौन सा है, इश्यू प्राइस, और यही कौन सा है, फेस वैल्यू। तो लॉटरी लग गई आपकी, लेकिन गलती से कुछ और होता तो फिर फ्लोटेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है कि अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह, अंडर राइटिंग कमीशन किस पे दिया जाता, फेस वैल्यू पे कि इश्यू प्राइस पे। है ना, और जो इश्यू प्राइस है उस पे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो इश्यू प्राइस पे आएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक, नहीं पर ये लिख लेना है भाई, दो ये मैं कंफ्यूज हो जाता ना, तो वो जो मैं होता वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी इश्यू प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, 100% प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 15 ईयर मैच्योरिटी है, 10% डिविडेंड रेट है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है, और सेलिंग प्राइस है ₹100। इक्विटी शेयर्स ₹2 पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस कितना है 22। इन एडिशन डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर्स, और कितना रुपए दे रखा है ₹2, तो ये क्या जाएगा हमारा D1। कैसे पता लग रहा है यार, एक्सपेक्टेड, और ग्रोथ रेट कितना दे रखा है 5%। ओहो पागल है क्वेश्चन बनाने वाला। ठीक है, उसने लास्ट में क्या चिपकाया, पढ़ो लाइन को क्या बोल रहा है, नहीं उसे ऊपर बोल, द फर्म जितना कमाया सब डिविडेंड, हाँ मतलब ग्रोथ है कि नहीं, है ना यार, हाँ
भाई लिखना है तो थोड़ा कहीं से चिपकाया क्वेश्चन, थोड़ा ठीक से चिपकाना चाहिए ना। अब इतने तो हम समझदार हो गए, यहाँ बोल रहा ग्रोथ है, यहाँ बोल रहा पूरा की पूरा जितना कमाता सब बांट देता है, तो फिर ग्रोथ कहाँ से हुआ? नहीं कुछ नहीं है, बस इसमें ब्रैकेट इग्नोर, आग बंद कर लेना है ना। उसने क्या है, जोश जोश में आके लिख दिया, उसको पता नहीं एक्चुअली। ठीक टैक्स रेट 50%। अब उसने मालूम है क्यों लिखा होगा पता है? जनरली हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी और रिजर्व भी तो होता है। अब यहां तो है नहीं है, हमको रिसर्च नहीं करना है, हमें ग्रोथ रेट दिया है, दिया है तो लेना है। ठीक है, टैक्स का रेट है 50%, मांग क्या रहा है, बस खत्म हो गई कुछ। चलो तो पहले क्या निकाले, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चाहे आप बुक वैल्यू से करोगे चाहे मार्केट वैल्यू से, हमें तो स्पेसिफिक कॉस्ट वो ही देख। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑफ कैपिटल, तो सबसे पहले क्या निकाले यार, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप जो बोलो मुझे तो क्या कुछ भी नहीं। आप है हिम्मत, आगे बढ़ो ना, इतना डर क्यों रहे? कॉस्ट ऑफ डेट, एडी इज इक्वल टू, मैं वही बोल रहा हूँ यार, एक बार हिम्मत से आगे बढ़ो, आप डर क्यों रहे हो? निकलेगा, सही निकलेगा। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, I बार माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू। ठीक, हाँ जी, ये बोल रहा है कि ये बोल ये तो 100 रुपए का 8% आएगा ना कूपन, 100 रुपए का 8% 8 रुपए, उसमें क्या सोचना नहीं, अभी तो मैं इंटरेस्ट तक ही पहुंचाऊ ना। वन माइनस पॉइंट 50 प्लस आरबी कितना यार, रिडीमेबल वैल्यू कुछ ना बोला है एट पार, माइनस कितना, 100 में से 4 रुपए माइनस करोगे कि 110 में से 4 रुपए माइनस, हाँ ये मार्केट प्राइस है, हाँ जी अगर मैं
नहीं एक्चुअली ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लेकिन भाई आप एक्चुअल में इश्यू कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आप इश्यू कर रहे हैं। इट मीन्स मैं वही लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम है, अब जब नेट प्रोसीड में क्या लिखे, सबसे पहला ये ढूंढिए कि इश्यू प्राइस दिया है क्या। यहाँ तो दिया है सेल प्राइस, इश्यू प्राइस। अगर सर नहीं दिया होता तो फिर क्या करते, फिर हम देखते हैं मार्केट प्राइस। और सर ये दोनों नहीं दिया होता तो फिर हम ये मानते कि फेस वैल्यू पर ही इश्यू, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा, फिर मार्केट प्राइस को, फिर फेस वैल्यू। यहां कितना जाएगा, 96। डिवाइड कितने से करोगे, 20 साल। चले अब क्या निकालना है, एपी। अच्छा प्लीज कोशिश ये करना कि फॉर्मूला लिखिए, लिया पीडी आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 × 100। तो बता सकते हो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। रिडीमेबल वैल्यू एट पार है तो 100 का 100, नेट प्रोसीड सोच समझ के बोलोगे 95, और कितना साल है, 15, और 100 + 95 डिवाइडेड बाय 2 × 100। हाँ 60 ले लेता हूँ। और कुछ बचा है कि बच्चों, T1 T0 प्लस जी T1 कितना दिया है, T1 कितना है, 2 रुपए पक्का ना है, तो P0 22। माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, 20। ग्रोथ कितना है, कुछ कहना चाह रहे, कॉर्पोरेट टैक्स पे फंसे हुए, हाँ वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है ना यार, वो होता है CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है। डिविडेंड टैक्स अलग,
कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी वाले को क्या टैक्स लगता है, एक होता इंडिविजुअल आपको टैक्स लगेगा, एक होता कंपनी को क्या टैक्स लगता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब कंपनी का भाई ये टैक्स रेट क्या है वो बता रहा है, बस और कुछ नहीं। और आप थोड़ा रुकोगे, आपसे बात करना क्लास के बाद, ठीक, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के विषय में। चलो तब क्या निकाले WACC। मजाक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कौन सा वैल्यू, कौन सा वेट से कर रहे हैं हम बुक वैल्यू, उसमें तो समस्या नहीं जाए। पहला जाएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले क्या है यार डेट, फिर क्या है प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर क्या है हमारा इक्विटी। बुक वैल्यू कितना कितना दे रखा है, 8 lakh, 2 lakh, and 10 lakh। इसके बाद क्या लिखेंगे, वेट्स 0.4, 0.1, 0.5। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑलरेडी निकाला है आपने 4.29, 10.60, 15। और अब कर लेते हैं वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट 1 point, ठीक है, ठीक है, छोटा अभी भी गड़बड़ा गया है क्या, क्या क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से आप WACC निकाल रहे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट, और डेट का यहां क्या लिखना है हमको, मार्केट वैल्यू। तो ये दे रखा है भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है कितने, 800,000 / 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 8000, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और 8000 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 110, सिंपल, और कुछ नहीं करना। पिछली बैच में बच्चों का दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा था, उनका कहना था सर 96 से मल्टीप्लाई, और फिर मैंने टेस्ट लिया कुछ समय बाद,
बच्चों ने 96 से मल्टीप्लाई किया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमको नहीं देखना इधर, जो मार्केट में ट्रेड हो रहा उस रेट से मल्टीप्लाई करना, कसम खाते ठीक नहीं खाए थे ना इसलिए टेस्ट में गलती। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने निकले थे, 8,000 × 110, 8,80,000। डेट के बाद क्या है भाई, प्रेफरेंशियल कैपिटल। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 2,000 × 130 कितना, 2,40,000। और क्या है हमारे पास, इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,00,022, तो ये टोटल कितना हो गया, 22 लाख टोटल मार देंगे, 33,20,000। अब क्या करना है इसके बाद, वेट, .265 1 0.072 66। स्पेसिफिक कॉस्ट तो वही लिखना है हम लोगों को, कितना कितना था, 4.29 10.6 और 50, और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट 1.14 0.76 9.95 11.8, चल जाएगा उतना मैनेजेबल। चलेगा चले, ऐसे क्वेश्चन आते 10-10 नंबर। हाँ बन जाए, बाकी सब इससे भी इजी है, लेवरेज वगैरह वो तो बिल्कुल, ईपीएस निकालना वो भी सिंपल है बहुत ज्यादा। जो जो था चैप्टर वो कैपिटल बिल्डिंग था, और एक आएगा थोड़ा सा कैपिटल बिल्डिंग से इजी है वर्किंग का, रेशो तो इजी, रेशो तो मैं कुछ करता ही नहीं, बस देखते रहता हूँ क्या चल रहा है, जो आएगा वो आएगा थोड़ा सा वर्किंग का, बड़ा है वो पर इजी। तो सर एक आध क्वेश्चन हमको भी दीजिए ना प्लीज, मैं क्लास रोक रहा हूँ और आप क्वेश्चन बना रहे हैं रिकॉर्डिंग है। तो इसका एक आंसर आ गया है, और आंसर आ रहा है, पहला आंसर आया कितना, 12.45%। दूसरा भी आंसर उम्मीद है 12.97। और भी बच्चे हैं हमारे पास 11.76। हाँ तो तीन ही लोग और बच्चे, तो तीन आंसर और आ सकते हैं, और हो सकता है एक का दो आंसर आए एक बच्चे। हाँ ये किसका आ रहा, अच्छा वहां तो चीटिंग हो सकती चलो ठीक है ना, बाकी लोगों का क्यों अलग आंसर आ रहा, बात ये है ना आप दोनों का ही एक जैसा आंसर कैसे आ रहा है, ये थोड़ा सोच रहे अब देखते रहो और देख।
यही आ गया 15%, काफी है ठीक है। केडी एक बार बताओ, इसमें केडी में आई कितना लिए हो? हाँ, केडी में 100 रुपए पे 9%, 9 रुपए टैक्स का रेट कितना है? 1 माइनस 0.35 प्लस आरवी कितना है भाई? 100। एनपी कितना है? 105 है मार्केट प्राइस, और हमने कसम खाया है कि किसका लेगी अगर कुछ नहीं बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो किसका लोगे फ्लोटेशन कॉस्ट? इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस नहीं है तो यही मार्केट प्राइस भी इश्यू प्राइस होगा, तो 105 में से 2% माइनस कर दीजिए, 102.9 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर अलग अलग है। कोई है जो सही कैलकुलेट करके बता सकता है? फाइव पॉइंट फोर एट केपी आ गया 10.57। तो भाई फाइनल आंसर क्या है, कोई बताएगा? हम तो बड़ा इजी चैप्टर समझ रहा था इसको, आंसर फाइनल मुझे नहीं मालूम ना, जो भी मेजोरिटी का हो ये सुधार है, ये तो अपना सुधार रहा है आंसर 12.45। चल जाएगा इसके आसपास। केपी मतलब 100 रुपए का 11%, सब निकलवा दिया आखिर 11 रुपए। तो माइनस 102.82 बटे 10 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय क्या किया? अच्छा नहीं किया, वो जो पेपर चेक करने वाला वो भी कैलकुलेटर लेकर बैठा होगा आपके साथ। बड़ी बात तो ये है सर, क्या करते हैं 11 प्लस 2.8। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है प्लस। नहीं, वो तो यहाँ क्या लिखा होगा इसको डिफरेंट कर। हाँ ओ भाई
पूर्वी समझ गया मैं, क्लास के बाद मिलना ठीक क्लास के बाद मिलना ठीक तो फाइनल आंसर 12.79 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 44 10 नंबर का आया था जनवरी 2021 एग्जाम में, होमवर्क मतलब ये अभी अभी का क्वेश्चन। और WSCC सुनो सिर्फ किससे मांगा है, मार्केट। हाँ क्वेश्चन नंबर 51 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 44 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 51 भी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। होमवर्क ठीक है, बहुत सारा काम किया अभी यहाँ। अब एक चीज और पढ़ लेते, खत्म करते। दो टाइप की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न अर्निंग के बेसिकली मुद्दा यही है कि रिटर्न अर्निंग मतलब हमारे पास पैसा रखा हुआ है, जो हमारे पास खुद के पास रखा हुआ वो तो किसी को देना ही नहीं पड़ता, तो उसका कैसा कॉस्ट, बस उसका कॉस्ट है कि नहीं है, बस ये। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो टाइप का होता, एक होता एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा होता इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे पैसे जिस पे आपको हर साल कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ही, उसको बोलते हैं जो पैसा जाएगा एक्चुअल में जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे डिबेंचर से पैसे उठाएंगे, हमको हर साल क्या देना पड़ेगा, ब्याज, प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, इक्विटी पे क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। लेकिन रिटर्न अर्निंग का है तो एक्चुअल में कुछ नहीं देना पड़ता, पर उसका तो भी कॉस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं एक्चुअल कैसा उठ लो, यहां होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नो एक्चुअल कैसा,
इसमें किस किस का कॉस्ट आ रहा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया या प्रेफरेंस शेयर हो गया, और कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। और यहां एकमात्र आएगा कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स, एक्चुअली इसका कॉस्ट होता है कि यस, इसका आप अभी एक शब्द दे रहे थे जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी, रिटर्न अर्निंग मतलब किसका पैसा, रिटर्न अर्निंग मीन्स किसका पैसा, खुद का मतलब, खुद मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंपनी का, तो कंपनी मतलब अंबानी, वो जो पैसा एक्चुअल में वो पैसा किसका, शेयर होल्डर का है कि डायरेक्टर का है, कंपनी का पैसा मतलब यार दोनों में से किसी एक का तो पैसा होगा, किसका पैसा माना जाएगा, शेयर होल्डर्स। अगर हम उसको रिटर्न नहीं करते, हम उसको इन्वेस्टमेंट का सोच नहीं रहे, हमारे पास रखा है पैसा, रखा है मतलब अगर हम उसको रिटर्न नहीं करते तो क्या करते हैं, डिविडेंड देते, ठीक है। तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, डिविडेंड फॉर वॉन, सीधी सी बात है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉर वॉन, इक्विटी शेयर होल्डर, जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है इक्विटी शेयर होल्डर ने डिविडेंड ना देखकर, तो उतना मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को कमाकर तो देना पड़ेगा भाई, पैसा किसका है, ये शेयर होल्डर का। तो मुझे कम से कम इस रिटर्न अर्निंग पे अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में लगाऊं तो इतना कमाकर देना ही पड़ेगा कि भाई आपने जो पैसा सेक्रीफाइस किया वो आपको मिल जाए। तो आप क्या चाहते, आपका पैसा मैंने रोक के रखा है, आप क्या चाहते हो, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को प्यार से क्या बोलते हैं, के, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, के आर इज इक्वल टू के, बात खत्म। सर इतनी कहानी लिखवाए क्यों, तो कॉस्ट ऑफ के आर इज इक्वल टू क्या है, के। और बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या तरीका हुआ, पी वन पी जीरो प्लस जी, ये के आर का फॉर्मूला। सीएपीएम वाला भी लिखवाऊं क्या, आरएम माइनस वैसा भी कर सकते हो, कर रहा तो एक बात याद रखना, लेकिन यदि फ्लोटेशन कॉस्ट था तो पी जीरो में से माइनस करते थे, है ना। अगर कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकाल रहा है तो कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, क्योंकि इश्यू कर ही नहीं रहा यार, बस वो उस पर फोकस करना, वहां करो वो, तो हालांकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ लिखा, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी माइनस नहीं होगा। यार मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, एक आध क्वेश्चन करोगे ना कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का तो अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा के इज इक्वल टू के आर, हाँ अल्टीमेटली आप ही का पैसा है, लेकिन आप सोच के बताना मेरे लिए क्या अच्छा, मुझे इक्विटी से पैसा लेना है, दो तरीके सोच के बताना मेरे लिए क्या ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आप ही का पैसा, मेरे पास 20 लाख रुपया रखा है, 20 लाख आप ही का, मुझे प्रोजेक्ट में लग रहा है 20 लाख रुपये, मेरा ये है कि ये आप ही का पैसा यूज कर लेता हूँ,
या तो फिर आपसे बोलता हूँ नए शेयर इश्यू करके फिर जो पैसा आएगा उसको यूज कर देता हूँ, कौन सा ज्यादा अच्छा? फिर से जो रखा है वो अच्छा, क्योंकि आप इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो आप ही का पैसा, ये भी आपका पैसा, तो इसी को क्यों यूज करूं? बस मुझे बताओ ना सोच समझ के, सर रखा हुआ है ऑलरेडी यार आपके पास, तो मैं कहता हूँ वो रखा रहने देता हूँ, नया पैसा और इश्यू कर देता हूँ। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कॉस्ट में फर्क पड़ेगा भाई। आप इश्यू करने में बहुत ज्यादा झंझट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग और KE इज इक्वल टू KR होता है बराबर काफी जगह, लेकिन काफी जगह बराबर नहीं होगा, वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर, तो पेज नंबर 54 पे आइए एक बार, एक आध क्वेश्चन बनाओगे अच्छा लगेगा। पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 21 क्या लगता है बना लोगे? क्या कैलकुलेटर में बना सकते हो? एक बार बना कैलकुलेटर में बना कर देख लो। अच्छा बना लिया था क्या? वाओ घर में इन्होंने बना भी लिया। वाओ सही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क, मतलब ये नहीं देखा कि मांग के आराम मतलब नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दी हमने निकाल दिया, दैट्स इट। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग पढ़ाने से पहले बच्चों ने क्वेश्चन बना लिया था कॉस्ट ऑफ रिटर्न? उन्होंने देखा ही नहीं मांग क्या रहा, उन्होंने ये देखा कि दिया क्या है बस। पढ़ता कौन है यार एग्जाम में? खत्म कर रहा है क्लास को, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल और एंड। हाँ लिखना पड़ेगा, अब क्या बात कर रहे, कॉपी बंद कर दी हो क्या? बुक बंद कर सकते हो, बुक की जरूरत नहीं, हो गई है क्लास, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल। इंग्लिश कैपिटल छोटा सा लूंगा, टेंशन मत लो, कितना 5,00,000 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50। तो कितने का एक है? 10 का एक। डिबेंचर्स 3,00,000 रुपए, सौ का एक, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी 100 का एक, 2,00,000 रुपए। और रिटर्न अर्निंग्स 12,00,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर हमारा पैसा कितना लगा यार? 22,00,000। सुनो ना थोड़ा सा और, थोड़ा सा और चेंज करो ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो किसी कौन से। इसको 2,00,000 रुपए कर दो, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 12। ठीक, और मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, यही मैं आपको दे देता हूँ।
15%। और आप भी क्या याद रखोगे, केडीबी दे दिया, क्या बोल रहा है? अब ये मत बोलना डब्ल्यूसीसी भी दे दो, तो क्या फिर केडी आ गया 11%, और केपी भी ले लो 12%, पर केआर नहीं दिया, वो तो कर नहीं। पर और भी कुछ चीज दे देता हूं, मार्केट प्राइस शेयर का दे देता हूं, और शेयर का प्राइस अभी कितना, 50,000 × 10, इसको 40 रुपए, ठीक है। और सर डिबेंचर का भी मार्केट प्राइस दे दीजिए, और ये दे देता हूँ 95, और प्रेफरेंस शेयर का भी प्राइस दे देता हूँ, और ये दे देता हूँ आपको 115 रुपए। और मुझे चाहिए क्या, WSCC, और समझदार हो आप लोग, एक तो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, टेबल ही तो बनाना। अगर बाई चांस एग्जाम में आता है बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, शेयर का बुक वैल्यू क्या है, इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू क्या है, बताओ, बुक वैल्यू पर शेयर, पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर कितना, और फेस वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर और फेस वैल्यू पर शेयर एक ही होता है। मोबाइल चलाते हो, बुक वैल्यू पर शेयर सर्च मार, मैं भी तो सुनूं कि क्या बोल रहे हो आप और एक्चुअल में क्या लिखा, बुक वैल्यू पर शेयर। इंटरनेट ही नहीं चलता है, कोई बात नहीं, इक्विटी प्लस बुक वैल्यू पर शेयर, और कॉमन इक्विटी का मतलब इसमें हाँ, बुक वैल्यू पर शेयर हो गया आपका 70 रुपए, सॉरी कितना, 5 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बुक वैल्यू पर शेयर अलग होता है और फेस वैल्यू पर शेयर अलग होता है, 14 रुपए, हमेशा याद रखना, बुक वैल्यू पर शेयर अलग है, फेस वैल्यू अलग है। 5 लाख इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है, ये भी तो इक्विटी ही है यार, 5 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितना हो गया, 7 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय 50, दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर। सर ये बीच में टाइम पास क्यों करे, अच्छा खासा हमारा क्वेश्चन बन रहा था। हाँ पता नहीं, वो आप बताना ना। कर सकते, क्या आंसर एक ही आएगा ना, कैसे बोलूं, बुक आंसर क्या एक ही आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ बस, कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्विटी, उसके बाद डेट, उसके बाद प्रेफरेंस, और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसा ही है, वैसे ही करने वाले हैं, यहाँ यहाँ लिखते क्या है, अमाउंट लिखना, अच्छा बुक वैल्यू,
है ना, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू, तो यहां क्या लिखूं, बुक वैल्यू ऑफ ऑफ इक्विटी, और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? हाँ सुनो, ऐसा नहीं है मेरी बात सुनो, या तो मैं 7 लाख यहां लिखूं ये उड़ा दूं, या तो 5 लाख यहां लिखूं 2 लाख यहां लिखूं, क्या आंसर एक जैसा ही आएगा? हाँ बिल्कुल सही। तो यार फिर जबरदस्ती से टाइम पास क्यों करें, ऐसा लग रहा था रिटर्न तो 5 लाख प्लस यहाँ कितना जाएगा 3 लाख, और यहाँ कितना जाएगा 2 लाख, और यहाँ भी कितना जाएगा 2 लाख, तो टोटल मार लेते हैं, टोटल कितना आ गया 12 लाख, उससे भी 12 ही आएगा आश्चर्य की बात। वेट पॉइंट 417, पॉइंट 250, पॉइंट 167, क्या आप अलग अलग कर रहे हो कि कोई है जो यहाँ सीधा 7 लाख, आपका क्या यहाँ वेट अलग आया होगा और आपका वेट इन दोनों को मिलाकर आया होगा, है ना यश, कोई तो है 7 लाख इन दोनों को मिलाकर ही आया। अब हाँ, अब अच्छा हुआ आप ऐसे करो, पता तो लगेगा कि आंसर में चेंज तो नहीं आए। स्पेसिफिक कॉस्ट के ही कितना है 15, 11, 12, 15, वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट बोलो कितना, 6.26, 2.75, 2.51, कितना 1%, हाँ वो तो चल रहा था। इससे क्या समझ में आया? सुनो भैया, हल्के में मत लेना कॉन्सेप्ट, हमको एक साथ लिख रहे हैं तो भी आंसर वही आ रहा है, और अलग अलग लिख रहा है तो भी आंसर वही आ रहा है, कैसे करोगे? अलग अलग एक साथ लिखने में चल जाएगा कि काम चल जाएगा, लेकिन कब नहीं चलेगा? जब के ई अलग हो और के आर अलग हो, तो फिर तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, तो क्या कसम खा ले अलग अलग ही करते, टेंशन ही खत्म। अब कौन सा वेट से कर रहे हैं हम लोग, मार्केट वेट,
पहला क्या है, एक मिनट, हाँ मैं तो समझ गया, मैं तो यार आपकी दिल की बात समझ लूंगा, क्या रिटर्न अर्निंग का क्या करना है, कोई मार्केट वैल्यू कहाँ होती है उसकी, जीरो। नहीं आप कहोगे तो मैं लिख भी सकता हूँ, वो भी लिखूंगा मैं। नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, क्यों लिखना, वेंचर शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 40 कितना आ गया, 20 लाख। ये 20 लाख मालूम है क्यों आ रहा है, किसकी वजह से, रिटर्न अर्निंग की वजह से, क्योंकि आपके पास रिजर्व है, इसलिए शेयर की प्राइस कितनी है 40, इसलिए उसका इफेक्ट इसमें आ चुका, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ऐसी किसकी बात करें, डिबेंचर कितने का भाई, 3,000 × 95, 2,85,000 कैपिटल 2,30,000 वेट, टोटल कितना आ रहा है 25,00,000 15,000 वेट बोलो ये कितना कितना 0.795 113 0.09। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑलरेडी निकला हुआ है हमारा, कितना कितना था, 15,11 पर, फिर वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट 11.925 1.243 0 आंसर 8। और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास ओवर हो गई, कहानी अभी बाकी है। एक्चुअल में ना कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट पसंद नहीं आता, बोलते सर क्या बात कर रहे हो आप, का ये कहना है कि इक्विटी तो ठीक है, डिबेंचर भी ठीक है, डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कितना है बताओगे, 2,85,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ठीक है, कितना 2,00,000 पर हमको रिटर्न अर्निंग लिखना है। हाँ आप ही के लिए करवा रहा हूं, और लिखना है तो लिखे तो कितना लिखे, रिटर्न अर्निंग का तो मार्केट वैल्यू होता नहीं, बोले हमारे पास जुगाड़ है, अब देखो जुगाड़ कैसे, टोटल बुक वैल्यू कितना है 20 लाख, सॉरी मार्केट वैल्यू इंटू 5/7 और ये कितना है 20 लाख, वाओ इंटू 2/7 किधर से आया, रेशियो, ये रेशियो कहां से आया, 5 और 7 हाँ बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दिया मैंने, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना था 5 लाख और ये कितना था 2 लाख, इस रेशियो में बांटा, 20 लाख इंटू 5/7 बोलो कितना आ रहा है 14,28,000 571 और ये कितना आएगा 428 या 9 कर लो, क्या टोटल में चेंज हो जाएगा 25 लाख 15,000 क्या WACC में चेंज हो जाएगा, पक्का ये WACC में चेंज हो, पक्का
पक्का ना? तो कैसे करना चाहोगे जब एक ही जैसे? पर भगवान ना करे के और के आर अलग अलग दिया और मार्केट वैल्यू वेट पूछा है, तो फिर तो ऐसे ही करना ठीक है। हाँ लिख लो, काम की चीज है इसको मत। नहीं ये तो एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। इसी वजह से प्राइस ज्यादा आता है, रिटर्न अर्निंग की वजह से। जब बना रहे हैं तो पूरा ही कर देते ना यार, खेल खत्म। मैं आंसर लिख देता हूँ 14.26। बस एक बात याद रखना कि मार्केट वैल्यू को किस रेशियो में बांटोगे, बुक वैल्यू। अगर जरूरत पड़ी तो, और जरूरत कब पड़ेगी जब के ई और के आर अलग अलग होगा। हाँ अभी अभी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। पता लगी था इधर, आंसर अलग मत निकाल देना भाई, ये इतना ही आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। और बाकी बच्चों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, बनाएंगे गलत आ गया तो और इंसल्ट, कौन बनाए। ठीक है क्लास ओवर करें, कल और परसों में हमको ये चैप्टर खत्म करना है।